ये देखिए आज के सुबह सुबह के दर्शन। आज कल से तो कम स्नोफॉल है, कल तो बहुत बुरी हालत हो गई थी यार, लेकिन पूरी रात स्नोफॉल होने के कारण से बर्फ बहुत ज़्यादा जम चुकी है। कल ये जगह खाली पड़ी थी और आज देखिए, और इसके ऊपर तो वो है शेड के बावजूद बर्फ इस साइड आ गई है। भी बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड -6 और 7। स्वागत है आपका एक और तड़कती भड़कती नॉर्मल वीडियो में। ज़्यादा मसाला नहीं डालना चाहिए। अरे कल रात को अंकल जी को मैं यहाँ से बर्फ़ हटाने में हेल्प कर रहा था, काफ़ी बर्फ़ हटाई थी यार। और अभी आप स्नोफॉल की इंटेंसिटी देख सकते हो, अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है। आप गाड़ी की हालत देखी है, पूरी बर्फ़ के अंदर। मैं सोच रहा था आज हिच हाइकिंग कर लेंगे, पर मेरे को लग नहीं रहा कि हिच हाइकिंग वाला जो आइडिया वो अच्छा रहेगा। तो देखिए आप जब हवा चलती है ना तो पाउडर टाइप में बर्फ़ ही उड़ने लग जाती है। मैं यहाँ पर रुकना तो नहीं चाहता यार, क्या करो, हिच हाइकिंग से जाना अभी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सूर्य महादेव भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो धूप आई यार, लेकिन ये पूरी अगर ढंग से धूप आ जाए ना तो मजे आ जाएंगे। ये देखिए यार भाई, एक बार बाहर जाके आया था मैं और हमने देखा ये स्नोफॉल का जो इंटेंसिटी है वो कभी कम हो जा रही है, कभी तेज हो जा रही है। और इसके पीछे कारण क्या है कि जो हवाएं हैं वो आज भी तेज चल रही है और अभी तो समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या, मैं बस के थ्रू जाऊँ या हिच हाइकिंग के थ्रू जाऊँ। अगर इतना तेज तूफान है तो ऐसे आज इतनी गाड़ियाँ जाएंगे नहीं, और मैं बस का भी श्योर नहीं कि बस जाएगी या नहीं जाएगी, और मैं जितना लेट करूँगा उतना खराब ही होगा मेरे लिए। टैक्सी बुला के बस स्टैंड तक जाऊँ और वहाँ से फिर देखता हूँ कि कैसे आगे जा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब यूगोस्लाविया का ब्रेकअप हुआ तो उस टाइम एक कंट्री बनी थी मॉन्टेनेग्रो, फिर बना स्लोवेनिया, क्रोशिया और क्या थी, एक कंट्री और रह गया शायद, इन सबको मिला के बनती थी यूगोस्लाविया। और जो मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया ये अलग हुए थे शायद 2003 या 2006 में, उससे पहले एक ही कंट्री होती थी। और अभी सर्बिया के अंदर भी एक जगह है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मतलब कि वहाँ पे कुछ लोगों ने एक नई कंट्री बना ली है, उसे बोलते हैं कोसोवो, लेकिन सर्बिया उसको सर्टिफाइड नहीं करता है। शायद दुनिया के 50% देशों ने कोसोवो को वो किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लेकिन 50% ने अभी उस चीज़ से वो कर रहे हैं। इंडिया का स्टैंड मुझे पता नहीं इस पे क्या है कि इंडिया ने शायद कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। धूप आने की ट्राई तो कर रही है यार, अगर धूप आ जाएगी ना तो बड़ा सही काम हो जाएगा। ये देखिए शायद आएगी यार, आजा धूप। लोग जगह जगह से बर्फ वर्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते डोबरे खरोशो डाबरे खरोशो। टैक्सी वाले भाई को समझा रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को चाचा जाना है, शायद बस मिल जाएगी। अच्छी को तो भैया फिनिश स्की हरश डोबरे 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 डोबरे। मजे की बात यह है कि यहाँ पे अभी तक बहुत कम गाड़ियाँ मिली हैं जिन्होंने चैन लगा रखी हैं, नहीं तो अपने गुलमर्ग या फिर मनाली की तरफ मारुति वाले भी चैन में लगा लेते हैं। अब याद आया भाई के साथ मैं पहले ही बैठ के जा चुका हूँ, क्योंकि शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, मैं कहाँ देखा है भाई को। वाला ब्रात सर्बियन में थैंक यू को बोल चाचक भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि हिच हाइकिंग करके भी जा सकता हूँ क्या, तो भाई साहब का जो एक्सप्रेशन है थोड़ा अलग हुआ कि भाई पागल है क्या, इसी बर्फबारी में तो हिच हाइकिंग करके जाएगा। आज गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगे मेरे को, पर बाकी देखिए मेरे हिसाब से आज भी यहाँ पे जो स्की लिफ्ट है ना वो काम करना बंद नहीं हुई होंगी।
ठंड में घूमना बहुत महंगा पड़ता है भाई। यहाँ पे गया वो बस वाले भाई साहब बोले कि जहाँ पे बस पार्किंग में लगी है ना वहीं पे जाओ, वहीं से टिकट मिलेगी। और टैक्सी वाले भाई ने मुझे यहाँ छोड़ा था, कुछ तो गड़बड़ यार। टैक्सी वाले को तो लगभग सारी बातें पता होती हैं, तो ये गलती कैसे होगी। एक तो ऊपर इतनी ठंड लग रही है और इन भाई रोडों पे चलने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन सी गाड़ी कब ठोक दे, क्योंकि इनका भी तो गाड़ी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है ना। रास्का बस रास्का यस पर नो नेचिमो योश टाइम का टाइम ओव बस क्रालेव ओके एंड 14 ओके एंड दिस तो राशका सम 12 वो क्रालियो ओके थैंक यू एंड बिल टिकट बस राशका ओके ये वाली बस जाएगी 12:30 बजे या 12:15 बजे और जो क्रालियो की बस है वो भाई साहब बता रहे हैं 2:10 पर। मैंने फाइनल कर लिया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ से जाऊँगा रास्का। यार -10-15 में इतना ठंड लग रही है, याकूतिया वाकूतिया ओमिया कौन वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। और बाकी अब की बार स्कीइंग करने पे मैंने एक लेसन सीख लिया है कि जो स्की ग्लासेस हैं वो हमेशा अपने पास रखना, नहीं तो स्की में मज़े नहीं आएंगे भाई। बार बार आँखों में वो जा रही थी बर्फ। ये सामने वाली बस जाएगी रास्का, थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेता हूँ, क्या तो थोड़ी देर में आ जाए। या तो चीज़ें मैंने गलत सुनी है, नहीं तो ये ड्राइवर आ नहीं रहा है। 15 मिनट हो गए हैं, ड्राइवर ने मुझे बोला था कि 12:15 बजे बस जाएगी, 12 बज चुके हैं अभी तक ड्राइवर बस में है नहीं, तो या तो मैंने गलत सुना है नहीं तो भाई ड्राइवर बस को भूल गया है। दूर दूर से कोई बंदा आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे तो खड़ा नहीं हो सकता यार, मैं आधे घंटे में तो ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। तो ये हवा के ऐसे झोंके आते हैं ना, क्या ही बताओ। शायद बाकी पैसेंजर्स भी अलास्का की तरफ जा रहे हैं, बात कर। गोप्रो ने चलते चलते अपने आप ही बंद हो गया है, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, जब भी ऑन करता हूँ 2 सेकंड गोप्रो चलता है फिर अपने आप बंद। मेरे हिसाब से इसको थोड़ी गर्मी की ज़रूरत है। बाकी बस का चलने का टाइम हो गया है, लेकिन बस के जो पिछले टायर हैं वो एकदम बर्फ में धंसे हुए हैं। अरे हाँ निकाल दिए। बस निकल गई भाई वहां से।
मुझे लग रहा था बस खाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। बस के अंदर ठीक ठाक लोग अभी आ गए हैं और अभी तक कोपाउनिक से हम ढंग से निकले नहीं हैं, तो शायद काफ़ी लोग इस बस में ट्रैवल करने वाले हैं। अंकल जी को गाड़ी चलाते हैं, डर नहीं लग रहा क्या? बस ने उतार दिया है मुझे रास्का, लेकिन ये बस शायद थोड़ा आगे जा रही है। पहाड़ों में चलते टाइम तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि यार कहीं बस स्लिप ना हो जाए, लेकिन ड्राइवर भाई साहब एकदम मस्त तरीके से चला रहे थे। ओह, अब यहाँ से मेरे को आगे जाना है चाचक, उसके लिए बस देखनी है। पहाड़ों से नीचे आते ही जो स्नोफॉल की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको बर्फ़ का नामो निशान नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे भी। रास्का से चाचक की कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है, पहले यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा करालेवो, और करालेवो से दूसरी बस पकड़ के मुझे चाचक तक जाना है। और जो अगली बस आने वाली है करालेवो की, उसके लिए भी मुझे बस के अंदर से टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ बस स्टैंड पे तो मिल नहीं रही है, और अब मुझे डाउट लग रहा है कि मुझे टिकट मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। और पता नहीं, दिल से ये फीलिंग आ रही है कि सभी के सभी करालेवो वाली बस का ही वेट कर रहे हैं। थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, पर ये आएगी या नहीं आएगी अंदर? नहीं भैया, तो निकल गई। बाकी यार, जो भी इस जर्नी का इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं कैमरा को बैग के अंदर डाल दूंगा। अगर मान लो रास्ते में कुछ मज़ेदार ये चीज़ हुई तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन अब मुझे उम्मीद कम है थोड़ी। अगर आपको कोपाउनिक आना है तो डायरेक्ट आपको बेलग्रेड से बस भी मिल जाएगी, नहीं तो आप रास्का भी आ सकते हो, और रास्का से डायरेक्ट बस है जो लगभग 1.5 घंटे में आपको कोपाउनिक पहुंचा देगी। 1:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंच गया था, और 12:15 बजे बस वहाँ से निकली थी, तो 1 घंटा 15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो गैस, बाय बाय, मिलता हूँ आपको होटल में अब डायरेक्ट।